हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आपको सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही थी। तो आज जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाने जा रही हूँ वो हैं, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज़ एंड कॉफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 अंडर रूट 5 वाई माइनस 5। ठीक है, तो आपने जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जीरोस पहले निकालनी है, फिर वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर जीरोस और कॉफिशियंट ऑफ द, ये जो पॉलिनोमियल के कॉफिशियंट है उनमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इसमें अल्फा और 1/अल्फा इसकी जीरोज हैं, इसकी पॉलिनोमियल की, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले आपकी जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेना है। पॉलिनोमियल क्या है, वाई स्क्वेयर प्लस 3/√2, 3/2 अंडर रूट 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी पॉलिनोमियल है जो आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपने इस, क्योंकि हमारा एलसीएम में है ना ये, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपने ऐसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है, टू आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, टू एलसीएम आ गया, तो टू को वाई से किया, 2y प्लस 3√5y, टू को 5 से भी करेंगे इससे भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बच गया हमारा, 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, जो बीच वाला है इसको स्प्लिट करना है कि हमारी मल्टीप्लाई कितनी आ जाए, माइनस 10 × 2y² 20y² माइनस में, और इसकी प्लस ये आ जाए, तो क्या होंगे फैक्टर्स हमारे होंगे, देखो 2√5 प्लस रूट 5, इसको करते हैं तो क्या आ जाता है, 3√5 आ जाता है, लेकिन 2 को 5 से करते हैं तो 10 आ जाता है ना। तो हमारा 4 5 जो 20 होता है ना, तो हमने क्या करना है, 4√5 माइनस रूट 5, देखो 1 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, 4 में से 1 गए, 3√5 वाई आ जाएगा, क्योंकि साइन तो बड़े वाला आता है ना। जब हम 4√5 में से रूट 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√5y आ गया हमारा बीच वाला, है ना, प्लस में। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4√5 मल्टीप्लाई में रूट 5 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 4 × √5 को रूट 5 से किया, 5 माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्योंकि इसके साथ इसको हम जब करेंगे तो ये हमारा माइनस 20 आ जाएगा, तो वाई वाई तो होगा ही दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो फैक्टराइजेशन क्या होएगी, बीच वाली मिडल टर्म को जब हमने स्प्लिट करना है तो हमारा क्या आएगा, 2y² प्लस, यहाँ पे लिखना है आपने 4√5y माइनस √5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 4√5y में से √5y माइनस करेंगे तो 3√5 आ जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आता है 20 आ जाएगा, और y को y से करेंगे 20² आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इनमें से कॉमन निकालना है, इनमें से निकालना है, तो क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से तो 2 ही निकल रहा है, 2 और क्या निकलेगा, y दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, 2y अंदर क्या बचेगा, y प्लस, यहाँ से 2 बाहर चला गया, 2 2 जा 4√5 माइनस, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, देखो √5 निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा अंदर, y, और ये माइनस क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाई है, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। अब 10 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, देखो 10 कैसे आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, 2√5। ठीक है, देखो 2√5 को जब हम √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√5 को 5 से किया, क्या जाता है, 10, 2 5 जा 10,
तो इसमें से हमारा जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2√5। और वैसे भी आपको पता है जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आती हैं, ठीक है, ये और ये सेम आता है। अब देखो इन दोनों में से हम एक ले लेते हैं y प्लस 2√5, और दूसरा क्या आ गया, 2y माइनस रूट फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों में से एक एक को लेके ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल रखा तो y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस 2√5। अब 2y माइनस रूट फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, तो y इज इक्वल टू रूट फाइव, है ना, फिर y इज इक्वल टू रूट फाइव बाई टू। पहले ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो गया, फिर ये y के साथ जो था वो नीचे आ गया, ये आपकी दोनों ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन में था आपने वेरीफाई करना है। देखो इसके बाद उसने क्या बोला था, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द ज़ीरोज एंड द कॉफिशेंट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। जो आपका ज़ीरोज निकल के आई है ना उसको कॉफिशेंट के साथ वेरीफाई करना है। अब कॉफिशेंट के साथ वेरीफाई कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले लिखना है जो हमारी ज़ीरोज आई हैं, अब आपने यहाँ लिख देना है ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर माइनस 2√5 और अंडर रूट फाइव बाई टू। अब आपने इसका सम ऑफ द ज़ीरोज निकालना है, सम ऑफ द ज़ीरोज कैसे निकलेगा, रूट फाइव बाई टू यहाँ पे, और पहले ये वाला लिख लो माइनस 2√5, ठीक है, और प्लस करेंगे कि क्या करेंगे, अंडर रूट फाइव बाई। अब देखो इसको कैसे प्लस करेंगे, हम नीचे कुछ नहीं है वन, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टू, है ना, तो टू को टू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2√5 प्लस रूट फाइव कितना आ जाएगा हमारा, माइनस 3√5 बाई टू, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब हमने इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज निकाल लेना है, जो हमारी ज़ीरोज फाइंड आउट हमने की हैं उसकी प्रोडक्ट निकालनी है। क्या निकलेगी, अब देखो क्या थी हमारी, 2√5 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, रूट फाइव बाई टू, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, माइनस टू, ये फाइव टू फाइव जा टेन बाई टू, ये कट जाएगा, कितना आया हमारा माइनस फाइव, ठीक है, तो ये हमारा माइनस फाइव आ गया। अब देखो हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज माइनस थ्री बाई अंडर रूट फाइव बाई टू आया है, और इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए अब यहाँ हमारा होता किसकी इक्वल है, सम ऑफ द ज़ीरोज, अब यहां लिख सकते हैं हम नेक्स्ट पेज पे सकते हैं, देखो सम ऑफ द जीरोस हमारा आया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दो चीजें निकाली है ना हमने, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, देखो सम ऑफ द जीरोस हमारा यहां से निकला था माइनस 3√5 बाय 2 और प्रोडक्ट आया था माइनस 5, ठीक है, यहां पे लिखेंगे माइनस 3√5 बाय 2 और ये आया था माइनस फाइव। देखो अब हमने जो हमारी पॉलिनोमियल थी ना उसको देखना है, हमने क्या थी हमारी पॉलिनोमियल, देखो इसमें ये थी ना, अब सम ऑफ द ज़ीरोज इसमें से हम देखेंगे तो क्या होएगी हमारी सम ऑफ द ज़ीरोज क्या होती है, इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब इस पॉलिनोमियल में माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, ये टर्म है ना, देखो क्या आ जाएगा माइनस 3√5 बाय 2, तो ये दोनों इक्वल आ गई ना, वेरीफाई हो गया ना, जो हमने जीरोस निकली थी उसका सम भी वही आ रहा है, और जब हम इसमें से माइनस बी बाय ए ले रहे हैं हमारी पॉलिनोमियल में से तो वो इक्वल आ रहा है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइव माइनस फाइव आया, ये किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के, है ना, तो इसमें से देखो सी बाय ए क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाय वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो वन, ठीक है, तो ये देखो जो हमारा ये निकला उसकी जो हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करके जीरोस की सम और प्रोडक्ट करके जो आया है वो किसकी इक्वल आ रहा है, अगर हम इस पॉलिनोमियल में से डायरेक्ट लेते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए करके और सी बाय ए करके, ठीक है ना, तो ये वही चीज़ आ रही है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज वेरीफाई, यहाँ लिख देंगे, हैंस the sum hence the relationship लिखो, relationship between the zeros and coefficient of the polynomial
इज वेरीफाइड। ठीक है राजे, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये मैंने सिंपल सा एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब पॉलिनोमियल आपने लिखनी है यहाँ पे, क्या है हमारी पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल है हमारी 4x square, ठीक है, 4x square माइनस 2x प्लस के माइनस 4, ठीक है, ये इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी पॉलिनोमियल है। अब हमने इसको पी एक्स के इक्वल भी हम रख सकते हैं ना, तो इसमें से आपने अल्फा और 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ दिस, ठीक है, अल्फा और 1/अल्फा इसकी जीरोज हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो के जो है वो कहाँ कौन सी टर्म में आ रहा है, ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना, एक तो सी में आ रहा है और एक ए हम यूज करेंगे, तो हमने क्या करना है, अल्फा यहाँ लिख दो, अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम यहां पे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, ये हमारे वो है ना जीरोस, अल्फा इंटू 1/अल्फा है ना इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी बाय ए, अल्फा इंटू 1/अल्फा सी बाय ए क्या हो जाएगा, के माइनस 4 बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब अल्फा इंटू 1/अल्फा जो है ये तो हमारा कट जाएगा है ना, ये 1 इज इक्वल टू के माइनस 4 बाय 4, ये ऊपर चला जाएगा, 4 इज इक्वल टू के माइनस 4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू के, तो के हमारा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू के, देखो मैं बता रही हूँ, अल्फा इंटू 1/अल्फा ये कट गया ना, इक्वल टू सी बाय ए, के माइनस 4 बाय 4, ये कट के क्या आ गया 1, तो 1 किसके इक्वल हो गया, के माइनस 4 बाय 4, ये क्रॉस मल्टीफिकेशन हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू के माइनस 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू के, तो के क्या आ जाएगा आपका 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन राजे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं आपको और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के 2-4 रह गए हैं वो करवाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।